ये होता रहेगा, ये एक निरंतर प्रोसेस है जो फॉलो होता रहेगा। गुड मॉर्निंग। तो आज की दिन की शुरुआत हो चुकी है, हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है मसूरी में और मौसम ने थोड़ा साथ नहीं दिया, हम लोग कहीं बाहर नहीं जा पाए। आज चेकआउट का दिन है, निकलते हैं यहाँ से वापस घर के लिए। हम लोगों ने ट्रिप के शुरुआत में ये सोचा था कि करीबन 9 से 10 लोग होंगे, तो एक एक करके लोग घटते गए और आखिरकार हम 5 लोग बचे। तो थोड़ी सी अपेक्षा थी कि एक ग्रुप और ज़्यादा मज़ेदार होता, और एक ये भी हुआ कि मौसम जो है मसूरी का काफ़ी बारिश हो रही है, मौसम के ही वजह से हम लोग थोड़ा सा इन्जॉय कम कर पाए, क्योंकि देखिए अभी जब बालकनी में भी बाहर में बिल्कुल लग रहा है वाइट शीट लगा दी है किसी ने, तो लग रहा है कहीं जा ही नहीं पाए। और मैं तो पहले भी आ चुका हूँ, तो घूमना मेरे लिए कोई प्रायोरिटी था नहीं, दोस्तों से मुलाकात। इस ट्रिप की जो जान थी वो ये थी कि हम लोग मिले एक दूसरे से। जी जी ये है, ये था प्लान, ये तो सफल हुआ है, ये सफल हुआ। और जो 19 करोड़ का जो प्लान था वो डिस्कस हो गया, उस पर हम लोग आगे काम करेंगे, क्यों नवीन? 19 करोड़ क्या, अब 1900 करोड़ बोल सकते हो उसको, तो अगर उस प्लान पे चला जाए। चलो भैया तैयार हो गए? हाँ यार, पैक है सारी चीजें। चलो 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 चला जाए, निकलते हैं। रेडी है और निकल रहे हैं यहाँ से, टैक्सी कर लिया है तो डायरेक्ट हमें मसूरी से देहरादून लेके जाएगा टैक्सी, क्योंकि बारिश है तो एक टैक्सी हो जाएगी तो वो ठीक रहेगा। अरे भैया सब तैयार है ना? हर हर महादेव, जय श्री राम। रास्ते में रुके हैं चाय पीने के लिए, अब इन लोगों को फोटो लेनी है। कैसे ठीक है, ले पाओगे? जाओगे अंदर वहाँ पे? हाँ जाओगे। कैसे बोलना पड़ेगा यार? तो ये हमारा छोटा सा टी ब्रेक हो गया है और अब वापस निकलेंगे देहरादून के लिए। अच्छा था यहाँ पे हम लोग रुके, चाय वगैरह पिया गया। तो 2 दिन के बाद ये अब धूप निकल करके आई है, तो पहली बार हम लोगों ने 2 दिन के बाद धूप देखी, बड़ा ही अच्छा लगा धूप देख करके। हम लोग देहरादून और थोड़े से क्लियर विजन जो है अब मिल रहा है, क्योंकि अभी तक हम लोग देख ही नहीं पा रहे, अब ऐसा लग रहा है कि दुनिया। बहुत आए हम लोग देहरादून रेलवे स्टेशन। भैया सामान रख दिया है यहाँ पे, ये रेलवे स्टेशन के जस्ट बगल में ही है साईं लगेज, 50 रुपये पर बैग का है, सही है। चले हम लोग करके टेंशन फ्री, हम लोग आधार कार्ड वो सब फॉर्मेलिटीज कर रहे हैं चाचा, वो चाचा ब्रो इस, अब यहाँ से हम लोग मूवी देखने जा रहे हैं। हम लोग ऑटो पे बैठ गए, हम लोग जा रहे हैं पैसिफिक मॉल। तो पहुंचा है हम लोग मॉल, अभी हम लोग डिसाइड करेंगे क्या देखना है क्या नहीं देखना, अभी डिसाइड। और ये पिक्चर तब बीते, काफी बड़ा मॉल है तो काफी सारी शॉप्स बंद है, आज संडे है, सिनेमा सामने, सिनेमा और सिर्फ खाने पीने के रेस्टोरेंट ही खुले हुए हैं। जिसमें चले जाएंगे पर जिंदा रहेंगे चेहरे। कैसे मूवी हम लोगों ने देखी, चेहरे बहुत ही बकवास, चेहरे छिपा के भी हम लोग को जाना पड़ रहे थे, गंदी मूवी थी। कैसे लगी भाई फरीदी मूवी? कैसे थी
अमिताभ बच्चन की एक्टिंग, मगर एक बात ही समझ में आई, फ्रेंडली अपीयरेंस बोलते हैं अमिताभ बच्चन, मेन तो सारा रोल उसी का था यार। बहुत ज़्यादा अमिताभ बच्चन का रोल था और बहुत ही बकवास मूवी थी। सही बताएं, पैसे बचाना है, टाइम बचाना है, तो थिएटर में तो मत जाना देखने। पिज्जा ऑर्डर कर लो, पिज्जा ऑर्डर कर लो, कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर कर लो, घर के साथ, घर के लोगों के साथ बैठ के मजे ले लो, मूवी ना जाओ। क्या हुआ अभिनव? चलो अंदर चलते हैं, एक टेबल खाली होने को है बस। तो आज बर्थडे है हमारे प्रिय चाचा जी का। आज नहीं है बर्थडे, हमारे शशांक सौरभ भाई का बर्थडे है, जो कि कल होना है, बट क्योंकि हमारी अभी ट्रेन है थोड़ी देर में, हम लोग इसको सेलिब्रेट बाद में कल नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग ये प्री सेलिब्रेशन कर रहे हैं। कैसा लग रहा है शशांक बाबू आपको? बहुत बढ़िया, बस रो मत दीजिए, सम्मान नहीं है, लग रहा हूँ रो मत दीजिए, मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं था ऐसा। यार एक्सपेक्टेशन होता तो फिर क्या फायदा होता है। Happy birthday to you, Happy birthday to you। जल गया फिर। तो आ गए हम लोग रेलवे स्टेशन, खाना पीना हम लोगों ने खा लिया है, और इधर लखनऊ जाने की ट्रेन है और इधर हमारी दिल्ली जाने की ट्रेन है। तो फरीद साहब कैसा लगा आपको ये टूर? बहुत बहुत मजा आया बहुत, और ये रियूनियन बाद में होता रहेगा। बिल्कुल ये होता रहेगा, ये एक निरंतर प्रोसेस है जो फॉलो होता रहेगा। बहुत बढ़िया ट्रिप था, कहते हैं ना एंड इज वेल ऑल इज। ये लगता है कि साल में एक ट्रिप ऐसा होना चाहिए हर भाइयों के साथ में, कि कम से कम 3-4 दिन हम लोग के पास अपना समय अपने लिए। और आप सभी व्यूअर्स से गुजारिश है कि आप लोग वॉन्डरिंग अमित चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और लाइक और शेयर करें। बाय बाय, सायोनारा। आ चुके हैं ट्रेन के अंदर और बारिश बराबर हो रही है देहरादून में, तो बस अब निकलने वाले हैं, हमारी ट्रेन चलने वाली है। और ये जो ट्रिप था उत्तराखंड का, देहरादून का, मसूरी का, ये ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। सभी लोगों ने एंजॉय किया और अब हम लोग निकल रहे हैं वापस। भाई लेट गए आप? हाँ जी भैया, हो गया हमारा, हो गया काम।